के बाहर और यहाँ पर काफी ज्यादा मस्त स्नोफॉल हो रही है, वो भी धूप में। खैर वो सब छोड़ो, अभी मुझे अपने बिजनेस वर्क पे चलना चाहिए, मैंने अपना लैपटॉप अंदर रखा हुआ है। तो देखो गाइस, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये होता है कि हमें एक बढ़िया प्रॉपर्टी चूज करना है। मींस पहले मुझे ऐसा घर ढूंढना होगा जिसको रेनोवेट करने का फायदा भी हो, पता चला खराब लोकेशन पे घर है और हमने अच्छा बना दिया बट वो जगह थी काफी घर बिक नहीं रहा। वैसे यार अपने पास ना यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं बट ये ना सारे सारे काफी छोटे हाउस हैं, हाउस भी नहीं है, तो मुझे हट गए देखने में। हां एक हैकर लॉफ्ट है, मतलब शायद किसी हैकर का घर है, हमें उसको रेनोवेट करना है बट नहीं यार, पता नहीं हैकर के घर में वायरिंग का कितना काम होगा, कंप्यूटर का कितना काम होगा, एक वायर सोल्व करनी पड़ सकती है हमें। यहां पर एक बोरिंग, एक सेकंड, ये नॉर्मल से घर में तो मिल रहा है 35,000 का, 36 का मिल रहा है, 61 का मिल रहा है, ये बोरिंग हाउस क्या होता है भाई, ऑलमोस्ट $1,00,000 का है। कुछ तो इसमें वस्तु खरीदते भाई, ये देखो ये इतना अजीब सा घर है भाई, मैं इसको खरीदने वाला हूं। अभी मैंने घर तो परचेस कर लिया है बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि जैसे मैंने अपने $1,00,000 टोटली बर्बाद कर दिया है। भाई आखिर ये घर इतना छोटा कैसे हो सकता है, इतना महंगा होने के बावजूद? क्या स्विमिंग पूल हो प्लीज, वो तो मैंने पीछे एक सस्ता गार्डन बना रखा, काफी सारे ट्रीज लगा के भाई, किस बात के $1,00,000 ले रहे हैं? एटलीस्ट एक बास्केटबॉल कोर्ट तो रख देते भाई, अपना पैसा फूक गया। मुझे पता लग रहा है कि ये घर शायद बहुत बढ़िया सोसाइटी में, इसलिए महंगा नहीं आता था। क्यों खेल अपने अंदर चलते देखते हैं, इतना ज्यादा कूड़ा कचरा, ये पिज्जा के पैकेट हो रहे थे, बियर की बॉटल्स, ये सब भी कुछ तो भाई महंगी चीज क्या भाई, कमला पसंद थूका भाई भर के यहाँ पे, क्या यार घर वगैरह क्या हो रहा है भाई? लो यहाँ पर कितनी बोर्ड भाई, सच्ची बता रहा हूँ, ये राजू के पार्टी चली है इस घर में, कोई अमीर बंदा होगा पार्टी करने, अच्छी पार्टी करके पूरा बंदा करके गया घर और वापस मेरे घर पास छोड़ के चला गया हुआ, और ये घर अब हमारी खराब किस्मती हमारे हत्ते चल गया, गलती करी भाई, इतना बुरा होगा मैंने नहीं सोचा था, लाइट साइज करें प्लीज, लाइट होनी चाहिए। ओके तो चलो अच्छी बात है कि इसके लिए लाइट तो है एटलीस्ट यहाँ पर, कितना मेरा हुआ है, मैं कोई पूरा घर ही पहले अच्छे साफ करना होगा, ऐसा नहीं कि मेरे बस बैटरी सफाई कर दूँ या कुछ नया लगा दूँ, पूरा कचरा है भाई, पूरा कचरा है। यहाँ पर भी लाइट को भी जला देता हूँ, वैसे आप लोग देखिए घर शुरू होते खत्म हो रहा है, मैं यहाँ से घुसा और यहाँ से मैं आगे गया और ये बाहर आ गया, इतना छोटा घर क्या मजाक चल रहा है, मैंने डॉलर में माचिस की डब्बी दे दी भाई, मेरे को पैसा लग रहा है। यहाँ पर एक रूम और है, ये वाला रूम, ओ बेसमेंट, ओ भाई साहब घर में बेसमेंट है। चलो एक तो मैं प्लस पॉइंट मिला, यहाँ की लाइट में चला देता हूँ, अभी नया सब कुछ होगा, फटाफट से सफाई करना स्टार्ट करते हैं। ये देखो ये सारे गत्ते वत्ते जो मेरे को यहाँ से हटाने होंगे, ये दिखेंगे भी नहीं, पता है सारे फ्री मेट रहे हैं, ये रैक से कुछ जो कि $12 में चले जाएगा, ये भी देखो नया रैक लाख लगाएंगे, पूरा ही घर में रेनोवेट करना होगा, मतलब लास्ट टाइम मैंने गलती करी थी कि बस एक पुराना घर खरीद लिया था और उसे रेनोवेट करने लगा सीधा, मेरे को लगा था थोड़ा बहुत अच्छा होगा, पूरा रेनोवेट नहीं करना पड़ेगा, बट अभी तो मैं कुछ नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक पूरा घर में चेंज करने वाला हूं, इतने सारे पिज्जा की बॉक्स, बोतल बोतल कैन कैन, इतनी गंदी पार्टी कौन करता है, पूरा सोफा यूज करने लायक थोड़ी बचा है, सारे मेरे को नहीं 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 यूज किया जा सकता है, अगर क्या मैं गलती से बेच दिया मैंने यार। ओके तो सारी की सारी बोतल यहां पर मैं बेचने में लगा हूं, बेच के रिमूव कर रहा हूं, ये बिकेगी नहीं गाइस, देखा कि मेरी उंगलियां दर्द हो गई लेकिन बोतल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, इतना गंदा मचा हुआ है यहां पर, पूछो मत भाई, जगह जगह पर कैन कैन बोतल बोतल भरी पड़ी है कसम से। फाइनली सारी की सारी बोतल्स मैंने यहां से हटा दिए, अभी यार इस वाले रूम में भी गंदा मचा हुआ था क्या, मैं दोबारा यहां पर हटाना पड़ेगा भाई, बदतमीजी है। तो चलो अभी मैंने पूरा घर साफ कर दिया, मुझे लगता है यहां पर और कोई सामान पड़ा होगा, भाग करेगा तो मैं क्लियर करने आया हूं, इसको भी हटा देते हैं यहां पर, होगा मैं देखो कहां कहां गंदा मचा हुआ है, मैं भी पूरा एकदम नीट एंड क्लीन करके मानूंगा, ठीक है। अभी सब कुछ हो चुका है, अब मुझे यहां पर सबसे पहले तो ये पेंट ठीक करना है, पेंट का दूसरा पेंट करेंगे, मैं सोच रहा हूं वॉलपेपर लगाऊं, जल्दी लगता है अच्छा लगता है। इस वाले रूम में दिखता है बेड आफ गया, बेचो बेड का कोई काम नहीं है, मैं प्रॉपर एक नया बेडरूम बनाने वाला हूं, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो बेच रहा हूं, टेबल भी बेच रहा हूं, ये यहां पर टीवी लगना चाहिए, बट ये वाला रैक है इसको अगर तू साफ बता, ये मैं बेच क्यों लिया मैंने, वो साफ करा था यार, मैंने बेच दिया, तू भी गल नए खरीदेंगे, एक बार मुझे ये चेक करना था कि अगर ये साफ हो जाए तो बढ़िया रहेगा, देखो चेक करते हैं, हाँ तो साफ हो रहा है ना, मैं साफ ही रहने देना चाहिए, अच्छा लग रहा है वाला कलर, इसको रहने देते नहीं, या फिर मैं कहूँ सेम ये चीज़ ना ग्रे कलर में खरीद के आता हूँ, ऑरेंज थोड़ा सा अलग ही हो रहा है, यहाँ पर ग्राउंड में पूरा चमकाना पड़ेगा, कितना ज्यादा गंद मचा रखा है इन लोगों ने, ये देखो तो अभी सब कुछ ऑलमोस्ट साफ हो चुका है, ये वाला एकदम साफ का घर के बाहर बिल्कुल गंदगी नहीं, अंदर ही गंद मचा रहा है सारा, ठीक है। ये वो वॉल भी कर सकता हूं मैं, नाइस, अभी तो पेंट करने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी तो नहीं, लेकिन पैसा को बचाना है, घर को लग्जरी बनाएंगे तो ढंग से बनाएंगे, क्या यहाँ पर हुई सफाई तो पहले पूरा चमकाई देता है, ज्यादा देने लगी, एक बार ये वाली वॉल भी चमका दी, ये वाली वॉल भी चमका दी, विंडो तक पूरी तरह गंदी करी हुई है, ये साफ नहीं हो रही, अच्छा ये अंदर वाली साइड गंदी, सॉरी उसको बाहर कहाँ से करनी है ये, अच्छा विंडो क्लीनर यूज करना है, सॉरी सॉरी मेरी गलती, ये हो गया, चलो विंडो क्लीनर यूज करना था मुझे साफ करने, यहाँ से चमकाया बुरा नीचे, ये बात यार विंडो क्लीनर यूज करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, मतलब जिस तरीके से चलता है ना उसकी फील मस्त है, ये चलाया यहाँ से नीचे घुमा के पीछे गोल 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 ऊपर, ये मस्त आएगा, सॉरी विंडो क्लीनर से साफ कर देता हूं, ये खत्म, आई थिंक और कोई विंडो तो नहीं आएगी, ये वाली विंडो भी गंदी हो रही है, मतलब इसको काटू नहीं है बट गंदी हो रही है, डस्ट से इसको चमका देता हूं, ओके तो ये वाली विंडो भी चमका दी है, और अगर देखा जाए ओके है ये ओके है, ये वाली विंडो भी गंदी पड़ी है, मुझे चमकाना पड़ेगा यार, क्लीन करके तो मस्त आकर दिखने लगता है, देखो अभी कैसा दिख रहा है, अब देखना ये यहां से कटा हुआ था मैं, आप आ रहा मस्त भी लगता है सीधा, और सनलाइट आपसे एंटर कर रहा है, फाइनली सो सारी सारी विंडो मैंने यहां पर क्लीन कर दिया, अब जो नेक्स्ट काम है वो जो मैंने सोचा था मेरे को ये बेचना चाहिए या फिर नहीं तो मैं देती रहा हूं, ग्रे कलर के नहीं खरीदेंगे बढ़ेंगे, और ये कितने वगैरह $50 सही है, ये सारे सारे मैं बेच देता हूं, एंड ये फ्रिज है ये भी बेचो, ओके फ्रिज के ऊपर भी खाई बोतल, ये नहीं खत्म हो रहा अभी भी निकल गया पता नहीं कहीं नहीं, तो खैर ये हो गया, अब मेरा जो प्लान है गाइस वो ये है कि गेट वगैरह भी बेच देता हूं, मैंने यार बेच देता सामान निकालो सब कुछ नहीं लगेगा और अच्छा लेवल का लगेगा, वैसे मैंने सारा गंदा तो साफ कर दिया लेकिन असली गंदा है भाई, इसको कौन साफ करेगा, मेरे को यार देखो टॉयलेट को ना नहीं चाहिए, ये काफी कम एरिया में बहुत अच्छे से बना हुआ है, मैं चाहूंगा इसका फ्लोर वगैरह चेंज कर दूंगा बट मेरे को लगता है टॉयलेट में मुझे ज्यादा स्पेस की जरूरत है, यहां पे अच्छा सा बाथटब है, बॉटल है और ये वॉशरूम काफी सही लगा हुआ है, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको बंद कर देता हूं, डोर सारे सारे मैं अपने सबसे नहीं ला के रहा हूं, डोर में कोई भी चेंज नहीं कर सकता, मैं ये आउटसाइड का भी डोर चेंज करूंगा, मैं बेसमेंट का बंकर जैसा डोर लगाऊंगा और ये मेन गेट है इसको भी हटा देते हैं, और ये बढ़िया सा प्लान किसने काटा उसको आप सही है, तो मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि ये वाला जो वॉल है ना जो बाथरूम से कनेक्ट है उसको मैं तोड़ दूंगा, मैं इसे बेडरूम और बाथरूम के बीच में कोई भी ऐसा वॉल नहीं आएगा, डायरेक्ट एंट्री गेट के स्लाइडर के थ्रू, जैसा स्लाइडर इधर है तो मुझे उसके मैंने गलत वाली वॉल तोड़ दी भाई, टॉयलेट यहां से सॉरी उसको बनाने बाद में फटाफट से वॉल तोड़ना स्टार्ट करते हैं, भाई सब दम तो होता है बंदे में, एक ही जा रहा है, ये भी दिया ये भी दिया ये भी तोड़ दिया, अगर अभी वॉल तोड़ी ना तो मुझे ये सब भी हटाने पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम तो लग रहा था कि लग रहा नहीं देते बट अभी ऐसा यहां पे बैठ जाएगा, ये देखेगा बड़ा गंदा नहीं है, इसको ठीक कर दूंगा, इसको तोड़ के पहले साइड कर दो, सारा ये हटाया ये तोड़ा, पूरी वॉल तोड़ दी तो साइज बनाएंगे इसको, फिर से डैसम दे दिया, ये वाला भी तोड़ देता हूं, इधर चलो यहां इधर, ओके तो ऊपर का मैंने पूरा पूरा तोड़ डाला है, एंड यहां पर ये वाला पिलर हटाओ, ये एक पिलर है इसको भी बड़ा से तोड़ के साइड करते हैं, लेट्स गो, फाइनली ये काम अपना हो चुका है, अब जैसे मैंने कहा मुझे ये सब भाई बेचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तरीके से कस्टमाइजेशन करनी है, रेडिएटर वगैरह और रेडिएटर के इंस्टॉलेशन भी मैं बेचनी होगी, और मेरे हिसाब से ही टॉयलेट पूरा बनने वाला है, क्योंकि बेडरूम भी कुछ मेरे हिसाब से बना, तो फटाफट से इसको भी तोड़ देता हूं, एंड इसको पूरा तोड़ते हैं, मेरे हिसाब से गाइस हमें ये वाली वॉल भी तोड़नी होगी, क्योंकि यहां पर लगाने वाला है प्रॉपर पार्टीशन, जिससे हम लोग हॉल सीधा रूम में जा पाए, और उस पार्टीशन के बीच में ये वाली वॉल तोड़ेंगे, क्योंकि वो पार्टीशन यहां से कनेक्ट होगा, मैंने आज मतलब पूरा घर इंटीरियर ही चेंज करने वाले हैं सर, एंड ये वाला जो साइड है ना इसका कोई काम ही नहीं है, इसको पलट देते हैं, आप ये भी हटा दिया, चलो अभी मेरे हिसाब से अपना घर काफी ज्यादा खुला हो चुका है, एंड ऑनेस्टली काफी ज्यादा बड़ा दिख रहा है, अब सीधी
बाद हमने दो रूम को एक कर दिया तो बड़ा ही दिखेगा ना यार। पहले ना मैं चाहूँगा एक ही रखूंगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा उससे तो, वरना पहले काफी अजीब सा था। बटन यहाँ से लाइट बंद होनी चाहिए, ठीक है। तो भी काम करते हैं, जो स्लाइडर है इसको मैं भेज देता हूं, उसका भी यूज नहीं है। यहाँ पे वॉल होगी, मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि किस तरीके से अपने घर का कस्टमाइजेशन जाने वाला है। फॉर एग्जांपल मुझे बेडरूम भी चाहिए और एक अच्छा खासा टॉयलेट स्पेस भी चाहिए। तो टॉयलेट को लेकर प्रॉपर बाथरूम सब कुछ होना चाहिए। वॉल रहा कैसे यार, वेट इसको तोड़ देंगे, प्रॉपर होना चाहिए। अब परफेक्ट है, नीचे से लगेगा चलो। हां तो मैं ये कह रहा था कि अपने पास एक प्रॉपर, ये भी लगा, चलो ये भी हटा दिया मैंने यहां से, ऊपर थोड़ा तोड़ना है एंड नीचे से भी होगा। हां तो मैं ये कह रहा था कि अपने पास एक प्रॉपर बेडरूम होना चाहिए, प्रॉपर टॉयलेट होना चाहिए और एक ठीक ठाक साइज का हॉल होना चाहिए। तो अगर मैं इस वाली वॉल को नहीं छोड़ सकता, वाली वॉल मेन वॉल है, इसको थोड़ा घर ले जाएगा, किचन नहीं कहीं मैं शिफ्ट नहीं करने वाला। हां तो अभी मेरे दिमाग में आईडिया आ गया, हम लोग यहां पर टॉयलेट बनाएंगे, यहां पे बेडरूम बनाएंगे जैसा पहले था, बट इस बारी ये जो टॉयलेट होगा ये थोड़ा सा बड़ा और कॉमन टॉयलेट होगा। मैं हम लोग बेडरूम से भी एंटर हो सकते हैं बाथरूम के, और यहां से एंटर पाएंगे कुछ इस टाइप का बनाने, और अपने बेडरूम में प्रॉपर यहां से स्लाइड लगेगा और टॉयलेट ओपन होने वाला है यहां तक। बस इतना ही रहेगा एंटर होने के लिए, काफी कुछ पहले जैसा होने वाला है, बट एक कुछ बड़ा फील होता है ना वो इस घर में आने वाला, तो खुला खुला थोड़ा बड़ा घर लगेगा। एंड ये वाला जो वॉल है मेरे सबसे, इसका भी कोई काम नहीं, इसको तोड़ देते हैं। काम तो है थोड़ा बहुत, किचन में अलग पार्टीशन आ रहा है, बट नहीं वो पार्टीशन का मैं घर थोड़ा बहुत छोटा लगा था, हटा देता हूं मैं इस वॉल को। ये वाली वॉल भी मैंने तोड़ दिया और अभी मुझे पहले से ज्यादा बेटर लग रहा है। ये अपने बंकर की नीचे बेसमेंट की एंट्रेंस होने वाली है यहां से, और एंट्रेंस एकदम पीछे ना और आगे से लेते हैं, तो मुझे इसको भी तोड़ देना चाहिए। लगेगा ये चार वॉल भी खाली है, ये भी होगा। तो यहां पे जो बनानी होती बढ़िया सी वॉल कुछ इसके बराबर में, यहां पे थोड़ा बड़ा से लग देते हैं और एक और मुझे लगाने इस तरफ, और अब मुझे बनानी हाफ वाली वॉल जो कि लगने वाली ऊपर। परफेक्ट, तो सारा काम अभी हो चुका है, अपना एक डोर फ्रेम प्रॉपर यहां पर रख लग जाएगा। और अभी काफी बेसिक सिमेट्री आ रही है अपने इस घर में, तो मुझे अंदर जाके अपने ऑफिस को यहां पे मूव कराना होगा। कोई टेबल वगैरह नहीं है क्योंकि मुझे लैपटॉप चलो यहां पर रख देंगे, एस्केप मूव ऑफिस हियर, लेट्स गो। तो इस लैपटॉप को मुझे भी टेंपरेरी यहां पर रख देना चाहिए, यहां पर भी काम नहीं करना, और अभी मैं यहां पर स्लीप भी कर सकता हूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो अगला दिन हो चुका है और अब मुझे आगे काम स्टार्ट करना होगा। यहां पर मुझे एयर कंडीशनर लगाना है और किचन बनाना है, बाथरूम बनाना है, बेडरूम बनाना है, और सबके सब शायद मैं आज के दिन कंप्लीट कर दूंगा। बट सबसे पहले जो मैं करने वाला हूं वो होगा इसका फ्लोर, जो कि मुझे बहुत गंदा लगा है। ये वाला वुड फिर भी ओके, बट ये वुड नहीं मुझे नहीं पसंद आया। तो वुड वुड फ्लोरिंग हम लोग करने वाले हैं यहां से टाइल्स लगाएंगे, वो सबसे बेस्ट लगता है मुझे। तो चलते फटाफट से फ्लोर कैटेगरी में, और मुझे कुछ तो बढ़िया सा ढूंढना पड़ेगा फ्लोर कवरिंग्स में। ओ तो मैं समझा, कवरिंग में ऐसी चीज आएगी जिससे बस हम पुराने फ्लोर को कवर कर सकते हैं। पैनल में आएगा जो पुराने फ्लोर पे इंस्टॉल होगा, टाइल में प्रॉपर एक अलग ही थीम आने वाली है। टाइल तो नहीं, पैनल में चलते हैं क्योंकि पैनल में वुड का अच्छा ऑप्शन है। एंड लास्ट टाइम हमने ये वाला टाइल लगाया था शायद, बट इस बार मैं ये गेम को अच्छा लग रहा है, माएस्ट्रो शायद, माएस्ट्रो ही सबसे बेस्ट लगने वाला है यहां पर। तो ये वाली टाइल लगाते हैं, इसमें करें परचेस एंड इस टाइल को मुझे यहां से लेकर पूरा यहां तक लगवाना है, ठीक है। क्या प्यारी चॉइस है भाई, मेरी वेटलेस को मस्त लग रहा है मेरे को। आपको कैसा लग रहा है गाइस, कमेंट्स में बताओ। फिलहाल अभी मेरे को लगता है फ्लोर का काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, इसको ऐसा रखते हैं और नहीं नहीं इसको मैं काम करता पूरा पूरे में ही कर देते हैं। क्या दिक्कत आई है, इतनी अच्छी चीज है, मैं तो यहां पे भी करने वाला हूं, मेरे को क्या सही लग रहा है, आधे पूरा काम करने को लगेगा, मतलब पूरे में ही रहेगा, तो प्रॉपर थीम सेट जाएगी इस घर की। तो ये होगा फ्लोरिंग गाइस, प्रॉपर कंप्लीट हो चुकी है अपनी घर की। अब मुझे बाथरूम का सोचना होगा, बाथरूम में क्या पुरानी घड़ी टाइल्स लगी हुई है, तो मुझे सबसे पहले बाथरूम को प्रॉपर बनाना है, देन उसके बाद टाइल्स को चेंज करनी है। तो फटाफट से कोई बढ़िया टाइल्स ढूंढते हैं बाथरूम के लिए एंड अपनी किचन के लिए। किचन की तो ठीक ठाक है, बुरी नहीं है, बट इस टाइप की और एक अच्छी मिल जाएगी तो मैं वो ट्राई कर लूंगा। तो फटाफट से कुछ नई टाइल्स ढूंढते हैं, फ्लोर टाइल्स एंड बाथरूम में देखो किस टाइप की चलती हैं, अजल ब्लू और कुछ ये भी हैं जो कि चलती हैं, बट नहीं हमें तो ये कुछ अलग नेक्स्ट लेवल चीज। मुझे यहाँ पर सच्ची में कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, ज्यादा वाला सच्ची में कारपेट लगा दूंगा बाथरूम के अंदर, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कुछ यूनिक है, ट्राई करके देखने से कैसा लगने वाला है। तो अपना जो बाथरूम है वो कुछ इतना बड़ा मैंने प्लान कराया बनाने का, अरे भाई क्या है भाई, सिर्फ फोटो में ही चल रहा था। ओ वेट कुछ तो मिला, स्नोई मार्बल, स्नोई मार्बल कैसा लगता है, इसको याद रखा देखो तो। ओ नाइस, बुरा नहीं है, थोड़ा यूनिक और बेटर ही लग रहा है मेरे को से। तो यप, तो यही फाइनल करते हैं, मुझे लगता है इससे बेटर ऑप्शन मुझे यहां पर मिलने वाला है। अब आइए किचन टाइल्स की। अगर कुछ लग्जरी में देखा जाए तो मेरे हिसाब से किचन के अंदर कुछ एकदम प्लेन थीम का चलेगा। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा कि ब्रिक्स चल सकते हैं, बड़े फ्लोर पे नहीं वॉल पे चलते हैं। ऐसा करते हैं कि वहां पर भी वुड लगाते हैं बट थोड़ी अलग थीम की, जैसे एक ये वाली है तो हम लोग वहां पर थोड़ी सी डार्क वुड लगा सकते हैं जो कि कुछ ऐसी दिखेगी। तो इसको मैं लगा के देखता हूं कैसी लगने वाली यहां से लेकर यहां तक। हे ये वाली वुड तो यहां से हटाई थी, चुपचाप से ऐसे कुछ ठंडा डिजाइन दे देते हैं। हां ये मेरे को बेटर लग रहा है और ये थोड़ा बहुत मैच भी हो रहा है। और फटाफट से यहां पर किचन के आइटम्स आने होंगे, फिर बाथरूम के आइटम आने हैं, फिर बेड, फिर सोफा, फिर टीवी, थोड़ा बहुत चीजें लगे। फटाफट से उसे कंप्लीट करते हैं, मैंने मिस्टेक कर दी यहां पे, मैंने वॉल थोड़ी दी क्योंकि